और हमारे तीन सीटें, तीन सीटें तो बूंदी ने दे दी है, लोकसभा सीट दे पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं हुआ नसीब से। कैंडिडेट कौन आ रहा है, युवा या बुजुर्ग? अरे कैंडिडेट तो हमारा सदस्य आएगा। अच्छा, हमने निर्णय के ऊपर छोड़ दिया, पार्टी के ऊपर, कैंडिडेट ऐसा दो जो सबके गले उतरे। की क्या स्थिति रहेगी, क्या मानते हैं? कांग्रेस हम जीतेंगे। लोकसभा स्पीकर सामने रहेंगे तो? लोकसभा स्पीकर रहेंगे तो क्या होगा, कौन सा काम करवाया सरकार ने यहाँ पे? किसी कांग्रेस अगर सही ढंग का उम्मीदवार अगर आ जाए सीट निकालेंगे आराम से। क्या मायने देखते हैं? बिड़ला जी जैसा कमजोर व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, वो नीचे ऊपर तक उसका करेक्टर देख लीजिए, करप्शन का देख लीजिए। आज मेरे को इतने साल हो गए पॉलिटिक्स में, देखे 40-50 का दाग लगाए, बताएं तो बीजेपी वाले में हिम्मत हो तो लगाए मुझ पर करप्शन का दाग, PDCD जो भी है उनको लगाए मेरे पीछे। लोकसभा चुनाव को लेकर आज बूंदी में कोटा और बूंदी लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस द्वारा रायशुमारी की गई है, प्रभारियों द्वारा यहां पर बैठक आयोजित की गई थी। कांग्रेस के जो दिग्गज और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, कांग्रेस अपने आप में लंबे समय से ये कह सकते हैं लोकसभा क्षेत्र में पिछड़ी है, इस बार किस एंगल से देखेंगे आप? किस एंगल से देखेंगे लोकसभा क्षेत्र को? लोकसभा क्षेत्र को किसी कांग्रेस अगर सही ढंग का उम्मीदवार अगर आ जाए तो सीट निकालेंगे आराम से। महावीर जी साहब, आपको लंबा एक्सपीरियंस है, इस बार राजनीति कुछ अलग कह रही है, लोकसभा क्षेत्र में बिड़ला जी है जो लोकसभा स्पीकर है, सांसद है, क्या क्या मायने देखते हैं आप? बिड़ला जी जैसा कमज़ोर व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, वो नीचे से ऊपर तक उसका करेक्टर देख लीजिए, करप्शन का देख लीजिए। आज मेरे को इतने साल हो गए पॉलिटिक्स में, देखे 40-50 का दाग लगाए, बताएं तो बीजेपी वाले में हिम्मत हो तो लगाए मुझ पर करप्शन का दाग, PDCD जो भी है उनको लगाए मेरे पीछे। और उनको एक खाली नहीं छोड़ी उन्होंने कहीं भी, चाहे कोई सी फैक्ट्री हो चाहे कोई सा हो। तो क्या इस बार जीत पाएगी कांग्रेस? अरे कांग्रेस का तो इतना बड़ा हमने आंदोलन किया, कांग्रेस ने किसानों के लिए जो काम किया है निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सब जातियों के साथ लेके चल रही है। और हमारी तीन सीटें तो बूंदी ने दे दी है, लोकसभा सीट दे पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे हम, इसमें कोई संदेह नहीं हुआ नसीब से। कैंडिडेट कौन आ रहा है, युवा या बुजुर्ग? अरे कैंडिडेट तो हमारा सदस्य आएगा। अच्छा, हमने निर्णय के ऊपर छोड़ दिया, पार्टी के ऊपर, कैंडिडेट ऐसा दो जो सबके गले उतरे। देखिए इस बार लोकसभा चुनाव नज़दीक है और भाजपा को पटकनी देने के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है, युवा कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, किस एंगल से देखेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को? निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछली कांग्रेस की सरकार ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान की जनता को दी और उनको मौके पर इंप्लीमेंट किया, और उसके बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2 महीने में कोई काम नहीं हुए, जनता त्रस्त है, जनता इनके फ्रेम को समझ चुकी है, और निश्चित रूप से कोटा बूंदी में इस बार कांग्रेस के जीतने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है। कार्यकर्ता मेहनत करेगा, हाई कमान एक अच्छा कैंडिडेट यहाँ पर हमारे को देगा और मेहनत करके इस सीट को जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, क्या मानते हैं? कांग्रेस हम जीतेंगे। लोकसभा स्पीकर सामने रहेंगे तो? लोकसभा स्पीकर रहेंगे तो क्या होगा, कौन सा काम करवाया सरकार ने यहाँ पे? बीजेपी ने कोई काम ही नहीं करवाया। कौन सा काम करवाया आप, गिना दो एक काम। आपका क्या कहना है, आज जो मीटिंग हुई उसके बाद में अगर कांग्रेस अच्छे उम्मीदवार को उतारती है तो हम सफलता जरूर हासिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी अच्छा उम्मीदवार उतारेगी। इस टाइप का आपको उम्मीदवार युवा नेता होना चाहिए, कर्मठ कार्यकर्ता होना चाहिए, कार्यकर्ताओं की पकड़ रखे, कार्यकर्ताओं का सम्मान करे, ऐसे युवा नेता की हम आशा करते हैं। देखिए कुल मिला के कहा जा सकता है कि युवा नेता मिले और युवा ऐसा हो जो कार्यकर्ताओं को समझे, कार्यकर्ताओं की बात माने, ऐसे नेता को अगर लाए तो लोकसभा कोटा बूंदी जो क्षेत्र है यहाँ पर कांग्रेस अपना परचम लहरा सकती है। फिलहाल कैंडिडेट अभी फाइनल नहीं है, सभी को इंतजार है और सब यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज जो बैठक है उसके बाद कांग्रेस की जीत होती हुई नजर आ रही है। सहयोगी रवि के साथ राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह।